हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के पार्ट बी हिंदी से कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आमलक का तद्भव सब है, इसका जो है तद्भव, आमलक का तद्भव क्या होता है, इसको देखिए। ए आदर्शिका, या बी आम्र, या सी आपाक, या डी आंवला। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिनका का तत्सम शब्द है, इसका देखिए कौन सा होगा, तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा, इसका तृण होगा, या तिक्त होगा, या सी ताम्र होगा, या डी त्वरित होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा तिनका का तृण, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए तिनका का तत्सम शब्द होगा तृण, इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। और जो इसके अन्य शब्द दिए हैं, तिक्त जो होता है ये तीता का तत्सम रूप होता है, तथा ताम्र जो होता है तांबे का तत्सम रूप होता है, और जो ये डी ऑप्शन है त्वरित, ये त्वरित जो होता है ये तुरंत का तत्सम रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तकदीर शब्द है, ये तत्सम है, या फारसी है, या तद्भव है, या अरबी है, इसका बताइए कौन सा, ये किस भाषा का है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये अरबी भाषा का है, डी ऑप्शन सही होगा इसका, जो तकदीर शब्द होता है ये अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, प्रागुण, या द्विशिष्ट, या पीढ़ी, या विग्रह। इसका राइट ऑप्शन होगा पीढ़ी, जो तत्सम शब्द नहीं है इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, ये जो पीढ़ी जो है ये तत्सम रूप नहीं है, ये तद्भव शब्द है, तथा इसका जो तत्सम शब्द होता है पीठिका होता है, पीढ़ी का जो है इसका जो तत्सम शब्द होता है इसका पीठिका, पी पीठिका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय, वचन, क्रिया, या लिंग, बताइए इसका कौन सा होगा। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें जो है अव्यय कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही है इसका, अव्यय कहते हैं। अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ हो है वो है आ प्लस व्यय, अर्थात जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। इसे जो है अभिकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता है, इसलिए ये सदैव समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे चलो में अव्यय कौन सा प्रकार है, धीरे चलो में बताओ कौन सा है, ये क्रिया विशेषण है कि संबोधक है, कि समुच्चय बोधक है, विषमादि बोधक है। धीरे चलो में ये जो है विशेषण अव्यय है, जो इस शब्द क्रिया के अर्थ में विशिष्टता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो ये धीरे चलो वाक्य में धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बताता है, अतः धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, खेल का मैदान लंबा है, या पंकज अच्छा गायक है, या मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, या इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसका सही ऑप्शन होगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। वाक्य में जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जिन शब्दों से क्रिया का परिमाप
मतलब कि नाप तौल संबंधित विशेषता प्रकट होती है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा, बहुत ओले पड़े, ये वाला इसका डी वाला है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ए बारी बारी, या बी भीतर, या सी आज, या डी यथासंभव। चलिए करिए देखिए कौन सा इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण जो है जो होता है आज, आज शब्द जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधित विशेषता प्रकट होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अतः इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह तेज दौड़ता है, या तुम यहीं ठहरो, या सारे कलाकार ऊपर हैं, या धूप में चला नहीं जाता। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा धूप में चला नहीं जाता। वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, धूप में चला नहीं जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, या भी उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, या सी मोहन से खाया नहीं जाता, या डी बालक तेज दौड़ता है। इस दिए गए वाक्य में जो है मोहन से खाया नहीं जाता, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गलती होने से डरती है वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। वह गलती होने से बहुत डरती है, या तेज, या अचानक, या धीरे धीरे। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग होगा। यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अधिकता बोधक का भेद है, इसलिए यहाँ पे बहुत का प्रयोग होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव्य पर्ण का संधि विच्छेद है। देव पर्ण का संधि विच्छेद जो ये शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा देवी धन अपर्ण या स्वर संधि के अंतर्गत। यण संधि का उदाहरण है ये, इसका संधि विच्छेद जो इसका राइट ऑप्शन होगा देवी धन अपर्ण, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो है स्वर संधि है, और ये स्वर संधि में ये यण संधि है, स्वर संधि का जो पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन, या समझदार। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो उपकार शब्द है, उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपकार का क्या होता है, इसका उपसर्ग उप है तथा मूल शब्द कार है। उप है इसका उपसर्ग प्लस एक कार, ये मूल शब्द होता है तथा इसका राइट ऑप्शन होगा उपकार में जो है इसका ए वाला ऑप्शन सही है, इसी उपकार में जो है इसका जुड़ा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका सही ऑप्शन होगा। अनिच्छा में जो प्रयुक्त उपसर्ग है ये अन है, ये बी वाला ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजीत, या इष्ट, या इंद्रियजीत, या इप्सित। इसका सही ऑप्शन होगा इंद्रियों को वश में रखने वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है इसको इंद्रजीत कहते हैं। इसका सी वाला, सॉरी ये ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका, इंद्रजीत। चलिए
और क्योंकि इस वाक में इंद्रजीत जो है, इसका जो इंद्र को जीतने वाला है तथा जो ईष्ट है, ये किसको क्या कहते हैं? इसका कहते हैं जिसकी आकांक्षा हो। और जो डी ऑप्शन है, ईप्सित, जिस वस्तु को चाहा गया हो उसको ईप्सित कहते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो वो क्या कहलाता है? अनुभूति। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्चनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाला, या बी जिसको प्राप्त न किया जा सके, या सी जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, या डी जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। 67 का है इसका जो है अनिवार्चनीय का सही अर्थ है। इसका राइट ऑप्शन होगा जो वाणी द्वारा वाक्य न किया जा सके। जो वाणी द्वारा वाक्य न किया जा सके, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। शब्द का सही अर्थ होता है अनिवार्चनीय का, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? देखिए वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये बी वाला ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? ए संयोग, बी विदेश, या सी अत्यधिक, या डी सुरेश। इसका सही ऑप्शन होगा सुरेश, उपसर्ग रहित शब्द है। ये जो डी वाला ऑप्शन है इसका, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो महिमा शब्द है इसमें जो है इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महिमा, इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है लगभग इसमें हिंदी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इन 50 में से उसको मैं करवा रहा हूँ आप सभी को। चलिए ये जो है 93 से 95 तक जो क्वेश्चन है, इसमें इसका विपरीत शब्द बताना है आपको। कर्षण का विपरीत शब्द क्या होता है? जो कर्षण का विलोम या विपरीत जो होता है, इसका विकर्षण होता है। डी वाला ऑप्शन सही है इसका, 93 का, विकर्षण कर्षण का। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें है। सुषुप्त का क्या होता है? इसका विलोम शब्द होता है, विपरीत शब्द जागृत। बी वाला ऑप्शन सही है इसका। और विहिप, विहिप क्या होता है? इसका विलोम शब्द जो होता है निषेध होता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 96 देखते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है? दीर्घायु की दीर्घायु, या दीर्घायु या दीर्घायु। ए बी सी डी में से बताइए कौन सा होगा। इसका जो है शुद्ध शब्द है दीर्घायु, ई वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौका शब्द का पर्याय बताइए। दिया है कि तरंगिणी है कि तरी है कि तरणीजा है। इसका सही ऑप्शन होगा 97 का। नौका शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो तरी होता है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ, या त्रिकालदर्शी, या त्रिकुटी, या त्राता। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा तीनों कालों को जानने वाला जो होता है उसे त्रिकालज्ञ बोलते हैं। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है बताइए? संस्कृत, या सांस्कृतिक, या संस्कृत, या सांस्कृतिक। इसका सही ऑप्शन होगा संस्कृत शब्द का जो विशेषण होता है सांस्कृतिक। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, नहीं बी वाला नहीं होगा ये, इसका
सांस्कृतिक, हाँ इसका बी वाला ही ऑप्शन सही होगा, बी वाला सांस्कृतिक लिखा जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्त धन ऋषि, इससे बनी संधि है, जो सप्त धन ऋषि होता है ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से अभी मैं पूरा इसका प्रैक्टिस सेट जो है सारा कंबाइंड करके जो है, जो पेपर एक, जो इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब में पेपर लेके आऊँगा धीरे धीरे, तथा अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। ओके बाय।